नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके क्विज़ी रौनक में। दोस्तों, इस वीडियो में अपन राजस्थान के लोक नाट्यों को बिल्कुल शानदार ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तथा साथ में उनकी संपूर्ण जानकारी भी अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ये इस टॉपिक का पार्ट फर्स्ट है, तो आइए दोस्तों बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान के लोक नाट्य। सबसे पहले मैं आपको राजस्थान के लोक नाट्यों से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूँ। अक्सर एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लोक नाट्य क्या है? लोक नाट्य एक मनोरंजन का ही साधन है और राजस्थान में इसकी परंपरा है ना, वो बहुत ज्यादा समृद्ध रही है। लोक नाट्यों का नियमित इतिहास हमें 16वीं शताब्दी से प्राप्त होता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई राजस्थान में लोक नाट्यों का नियमित इतिहास हमें कब से प्राप्त होता है, तो वो 16वीं शताब्दी से प्राप्त होता है। लोक नाट्यों की कथा वस्तु ऐतिहासिक कथानकों पर आधारित हो सकती है, लोक गाथाओं पर आधारित हो सकती है, प्रेमा आख्यानों पर आधारित हो सकती है, धार्मिक आख्यानों पर आधारित हो सकती है, या फिर किसी राजा महाराजा की शौर्य गाथाओं पर आधारित हो सकती है, या फिर उनसे प्रेरित हो सकती है। इस तरीके से रिलेटेड करके लोक नाट्य बनाया जा सकता है। क्षेत्रीयता के आधार पर लोक नाट्यों के प्रदर्शन में भाषागत व शैलीगत विभिन्नता देखने को मिलती है। मतलब कि जैसे जैसे क्षेत्र है वहां पे लोक नाट्य की भाषा भी वैसी होगी और वहां पे क्या होगा, शैलीगत जो विभिन्नता है वो वैसी वैसी होगी। तो लोक नाट्य का स्वरूप किस पर डिसाइड करता है, तो वहां पे क्षेत्रीयता के आधार पर डिसाइड करता है। भौगोलिक आधार पर लोक नाट्यों को 3 समूहों में विभाजित किया जाता है। एक तो पर्वतीय क्षेत्र के लोक नाट्य, राजस्थानी प्रदेशों के लोक नाट्य और पूर्वी राजस्थान के लोक नाट्य। तो ऐसा पूछ लिया था कि भाई भौगोलिक आधार पर लोक नाट्य को कितने समूहों में बांटा गया, तो वो 3 समूहों में बांटा गया। कौन सा? पर्वतीय क्षेत्रों के लोक नाट्य, रेगिस्तानी क्षेत्रों के लोक नाट्य और पूर्वी राजस्थान के लोक नाट्य। अब सबसे पहले अपन राजस्थान के लोक नाट्यों में स्टार्ट करते हैं ख्याल लोक नाट्य। कौन सा? ख्याल लोक नाट्य। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बहुत सारे भाग है। वहां से आपको मैं एक एक लोक नाट्य बिल्कुल ट्रिक से याद करा दूंगा कि भाई कौन सा कहां का फेमस है, उसका प्रसिद्ध कलाकार कौन सा, उसका उद्गम कहां हुआ था राजस्थान में कहां का, ये प्रसिद्ध आपको ए टू जेड चीजें याद करवा दूंगा। सबसे पहले अपन देखते हैं ख्याल लोक नाट्य। ख्याल का शाब्दिक अर्थ होता क्या है? ख्याल का शाब्दिक अर्थ होता है खेल तमाशा। क्या होता है? खेल तमाशा होता है। ख्याल के जो सूत्रधार होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? हलकारा कहा जाता है। तो ख्याल के सूत्रधार को क्या कहा जाता है? हलकारा कहा जाता है। ख्याल में भाग लेने वाले कलाकार को खिलाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिलाड़ी कहा जाता है। और इसके सूत्रधार को क्या कहा जाता है? हलकारा कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, एक एक को आपको आसानी से सुनना है और अच्छे से सुनना है, यहां से क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के अंदर, यह आपको ध्यान रखना है। अगर सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई राजस्थान के लोक नाट्यों की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है, तो आप सीधा का सीधा आपको बोलना ख्याल। तो राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? वो ख्याल लोक नाट्य है। इसका प्रचलन 18वीं शताब्दी के आरंभ में आरंभ हो चुका था। तो कब से ये चला आ रहा है? 18वीं शताब्दी से चला आ रहा है। और ख्याल राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध लोक नाट्य, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? वो ख्याल लोक नाट्य है। ख्यालों की विषय वस्तु किसी पौराणिक कथा या पुराख्यान से जुड़ी होती है। किससे होती है? किसी पौराणिक कथा या पुराख्यानों से जुड़ी होती है। अब राजस्थान के पर अपन प्रमुख ख्याल देखते हैं कि राजस्थान के कौन कौन से प्रमुख ख्याल है। अपन एक एक ख्याल को आसानी से ट्रिक से याद करेंगे। यहां तक तो कोई ट्रिक की जरूरत नहीं थी, अब ट्रिक की जरूरत पड़ेगी जो आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में आपका क्वेश्चन निकाल कर देगी। सबसे पहला ख्याल है अपना कौन सा? कुचामणी ख्याल। कौन सा? कुचामणी ख्याल। वैसे तो सबको पता है कुचामणी कहां पड़ता है? नागौर में पड़ता है, लेकिन अपन पढ़ रहे इसका कुचामणी ख्याल। बिल्कुल ईजी ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं है। मानो कि जैसे कि एक नाग है, अब आप जानते हो कि भाई हजारों लाखों नागों के अंदर एक ऐसा नाग होता है जिसके पास क्या होती है? नागमणि होती है। और नागमणि बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है। गलती से अगर आपको मिल गई ना, आपके जितने भी दुख दर्द है वो सब दूर जाएंगे। तो यही अपने ट्रिक बनाई, बिल्कुल लॉजिक से आपको सारी की सारी ट्रिक मिलेगी। नागमणि अच्छी होती है गम को दूर करने के लिए। मतलब कि नागमणि अगर किसी इंसान को मिल जाए ना, तो वो इतनी अच्छी होती है कि वो उसके सारे के सारे गम को दूर कर देती है। तो नागमणि क्या होती है? अच्छी होती है गम को दूर करने के लिए। अब इसमें से कौन कौन सी चीजें निकलेगी ये अपन लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले अपन कुचामणि ख्याल की डिटेल्स देखते हैं। कुचामणि ख्याल कहां का? ये नागौर का प्रसिद्ध है। और इसके संस्थापक कौन है? लच्छीराम है। कौन है? लच्छीराम है। और इसके प्रसिद्ध कलाकार, ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया कि उगम राज किस लोक नाट्य के प्रसिद्ध कलाकार है, तो ख्याल है। और ख्याल के अंदर भी पूछा था, वो कुचामणि ख्याल के है। तो प्रसिद्ध कलाकार कौन से? उगम राज। ये अंतरराष्ट्रीय कलाकार है कुचामणि ख्याल के। ये जो ख्याल है, ये जो कुचामणि ख्याल, ये हास्य प्रधान ख्याल है। तो अगर इसकी अगर आपसे प्रकृति पूछ ले कि भाई ये किस तरह का ख्याल है, तो ये हास्य प्रधान ख्याल है। इस ख्याल में हास्य नाटकों, लोक गीतों को सम्मिलित किया जाता है। कुचामणि ख्याल की प्रमुख ख्याल कौन कौन सी है? चांद नीली, चांद नीलगिरी,
ठीक है, राव रिंडमल, मीरा मंगल और गोगाजी चौहान, ये किसकी है? ये प्रमुख कुचामणी ख्याल की प्रमुख ख्याल है। अब अपन ट्रिक देखते हैं। अपनी ट्रिक बिल्कुल इजी थी, अगर नागमणि मिल जाए तो वो कैसी होती है? अच्छी होती है गम को दूर करने के लिए। तो वो नाग से तो आपको ध्यान रखना नागौर, और मणि से हो जाएगा कुचामणि, मणि आ रहा ना कुचामणि में, तो नाग से हो जाएगा नागौर, और नागौर का कौन सा फेमस है? कुचामणि ख्याल फेमस है। तो वो लच्छी से क्या हो जाएगा? लच्छी राम। क्या हो जाएगा? लच्छी राम, ये कौन है? इसके संस्थापक है। लच्छी से हो जाएगा लच्छी राम, ये क्या है? इसके संस्थापक है। और गम से क्या हो जाएगा? उगम राज। ये उगम राज कौन है? इसके प्रसिद्ध कलाकार है जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर तक इसको ख्याति दिला चुके हैं। तो ये अपनी ट्रिक है, बिल्कुल इजी है। अब नेक्स्ट अपन ख्याल पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है ख्याल का, कौन सा? शेखावाटी ख्याल। कौन सा? शेखावाटी ख्याल। ये अपने राजस्थान में कहां पे? शेखावाटी क्षेत्र का फेमस है। और शेखावाटी क्षेत्र की भी तीन ऐसी जगह जहां का ये फेमस है, चिड़ावा, खंडेला और जायल। कोई दिक्कत नहीं, आप कभी नहीं भूलोगे। चिड़ावा, खंडेला, जायल मैं आपको ऐसे याद करवा दूंगा। तो शेखावाटी ख्याल कहां का फेमस है? शेखावाटी का। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं, नाम से सीधा का सीधा पता चलता है। ये तो कहां का फेमस है? शेखावाटी में। ये चिड़ावा, खंडेला और जायल क्षेत्र का प्रसिद्ध है। अब देखो बिल्कुल इजी ट्रिक है। मानो आपको पता है भाई पक्षीड़िया कहां पे बैठती है? पेड़ की शाखा पे बैठती है। तो एक पेड़ की शाखा पे क्या थी? एक पेड़ बना हुआ था, उसकी शाखा पे कौन बैठी हुई थी? चिड़िया बैठी हुई थी। अब वो क्या, वो वहां से गिर गई, और वहां से किस में गिर गई? वो खड्डे में गिर गई। अब कोई आदमी गिरेगा वो तो क्या होगा? उसके लगेगी तो सरी, तो वो क्या होगी? घायल हो गई। तो फिर उसके नानू आया, और नानू ने उसको बहुत ज्यादा क्या करा? प्यार करा, दुलार करा, जिससे वो क्या हो गई? ठीक हो गई। बिल्कुल इजी ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके दिमाग के अंदर पिक्चर बन गई कि एक चिड़िया एक पेड़ पे बैठी थी, पेड़ से खड्डे में गिरी, उससे उसके लग गई, उसके नानू ने क्या करा? उसका दुलार, प्यार दुलार करा। यही अपनी ट्रिक है कि पेड़ की शाखा से खड्डे में गिरकर चिड़िया घायल हो गई। पेड़ की शाखा से खड्डे में गिरकर चिड़िया घायल हो गई, फिर उसके नानू ने उसका क्या करा? दुलार किया। ये बिल्कुल इजी ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी कि पेड़ की शाखा से खड्डे में गिरकर चिड़िया क्या हो गई? घायल हो गई। फिर उसके नानू आया, और नानू ने क्या करा? उसका लार दुलार करा, जिससे वो क्या हो गई? ठीक हो गई। अब सबसे पहले अपन डिटेल्स देखते हैं। शेखावाटी ख्याल के संस्थापक कौन है? नानूराम चिड़ावा। कौन है? नानूराम चिड़ावा। किसके संस्थापक है? वो शेखावाटी ख्याल के है। इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? दुलिया राणा इसके प्रसिद्ध कलाकार है। ये जो नानू एक थे, नोट बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट नोट ध्यान रखना है, नानू लाल राणा और उजीरा तेजी, जिनको वजीरा के नाम से भी जाना जाता है, कि काल को शेखावाटी ख्याल का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगर ऐसा पूछ ले भाई शेखावाटी ख्याल का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है, तो नानू लाल राणा और उजीरा तेजी को क्या कहा जाता है? शेखावाटी ख्याल का क्या करना स्वर्ण काल कहा जाता है इनके समय को। इस ख्याल में जो गायन और नृत्य का सामंजस्य दिखाई देता है, इस ख्याल में गायन और नृत्य का मतलब कि गाना भी गाया जाता है और नृत्य भी किया जाता है, इनका सामंजस्य दिखाई देता है। इस ख्याल की प्रमुख ख्याल है हीर रांझा। मोस्ट इंपोर्टेंट जो उसकी ख्याल है बताऊंगा ना मैं, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई हीर रांझा ख्याल की किस प्रकार की वो है ख्याल है, तो आपको ये ध्यान रखना है शेखावाटी ख्याल की है। तो हीर रांझा, हरिश्चंद, भर्त हरी, थरथरी और धोला मारू और जयदेव, ये किसकी प्रमुख ख्याल है? ये शेखावाटी ख्याल की प्रमुख ख्याल है। अब अपन ट्रिक देखते हैं। ट्रिक बिल्कुल ईजी है, अपनी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि पेड़ की शाखा, तो शाखा से हो जाएगा शेखावटी ख्याल, ये आप कभी नहीं भूलोगे। खड्डे से क्या हो जाएगा? खड्डे से आपको ध्यान रखना खंडेला, ठीक है। चिड़िया से क्या हो जाएगा? चिड़ावा। और घायल से हो जाएगा जायल। तो शेखावटी क्षेत्र में कहां के फेमस है? तो पेड़ की शाखा से खड्डे, खड्डे से हो जाएगा खंडेला, खड्डे में कौन गिर गई? चिड़िया, चिड़िया से हो जाएगा चिड़ावा, और कौन है? चिड़िया क्या हो गई थी? घायल, घायल से हो जाएगी जायल। ये तीनों क्षेत्र कहां के फेमस है? शेखावटी ख्याल के लिए प्रसिद्ध है। गिर गई तो फिर क्या हुआ? उसके क्या हुआ? चोट लग गई। फिर उसके नानू, नानू से हो जाएगा नानूराम चिड़ावा। नानूराम चिड़ावा कौन है? इसके संस्थापक है, और उसका दुलार करा था उसके नानू ने। दुलार से हो जाएगा दुलिया राणा, ये क्या है? इसके प्रसिद्ध कलाकार है अंतरराष्ट्रीय स्तर तक, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ख्याल है अपना जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल का बिल्कुल इजी, एक ही शब्द याद रखना आपको, कौन सा? पूरी खाना। तो जयपुर की पूरी खाना, देखो जयपुर में आ रहा पूरी, पूरी से अपन निकला पूरी, तो जयपुर की पूरी खाना। आपका दोस्त है उसको वो जयपुर में गया एग्जाम देना, तो आपने क्या बोला? भाई जयपुर की पूरी खाना मजा आ जाएगा, बहुत शानदार बनाते हैं। तो जयपुरी ख्याल कहां का फेमस है? जयपुर का फेमस है। उसकी बिल्कुल इजी ट्रिक है, पूरी यहां से आ रहा है जयपुरी में, पूरी, पूरी से पूरी, तो जयपुर की पूरी खाना मजा आ जाएगा। आपने अपने दोस्त को बोला भाई तू जयपुर जावे तो जयपुर की पूरी जरूर खाना, बहुत अच्छी बनाते हैं। तो ये अपनी ट्रिक है। तो जयपुर से जाएगा जयपुरी ख्याल, और पूरी से क्या हो जाएगा? पूरी। तो जयपुरी ख्याल और खाना से हो जाएगा गुणीजन खाना। गुणीजन खाना ये कौन है? इसके ये प्रसिद्ध कलाकार है। सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई गुणीजन खाना किस ख्याल के प्रसिद्ध क्या है कलाकार है, तो ये आपको ध्यान रखना है जयपुरी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार है। इस ख्याल में ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इस ख्याल में दूसरे जो ख्याल है ना, उसमें जो महिला पात्रों की भूमिका है वो पुरुष भी अपना वेश धारण करके बना सकते हैं, और जो महिला है वो पुरुषों का वेश धारण करके पुरुष पात्रों की भूमिका भी निभा सकती है। लेकिन जयपुरी ख्याल में ऐसा नहीं होता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई किस ख्याल में महिला पात्रों की भूमिका महिला ही और पुरुष पात्रों की भूमिका पुरुष ही निभाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना। महिला पात्रों की भूमिका केवल और केवल कोई महिला ही निभाएगी, और पुरुष पात्रों की भूमिका केवल और केवल कोई पुरुष ही निभाएगा। ये किसकी विशेषता है? ये जयपुरी ख्याल की विशेषता है। इस ख्याल
की प्रमुख ख्याल है। कौन से? मियां बीबी, जोगी जोगण, कान गुजरी, रसीली तंबोलन और पठान आदि किसकी प्रमुख ख्याल है? तो ये जयपुरी ख्याल की प्रमुख ख्याल है। ये आपको ध्यान रखना। ट्रिक में आपको पहले बता चुका हूँ कि जयपुर की पूरी खाना, जयपुर की पूरी से हो जाएगा जयपुरी ख्याल और खाना से हो जाएगा गुणीजन खाना। इसके क्या है? प्रसिद्ध कलाकार है। नेक्स्ट ख्याल है अपनी, कौन सी? चिड़ावा ख्याल। अब आपने सोचा होगा कि भाई शेखावटी के अंदर भी चिड़ावा आया था, वो शेखावटी का जो चिड़ावा है ना, वो शेखावटी ख्याल के लिए फेमस है। लेकिन एक चिड़ावा के नाम से ये ख्याल प्रसिद्ध हो गई। जो कौन चालू करता है वो ना, वो कौन चालू करता है? वो जो नानूराम थे ना, उनके शिष्य दुलिया राणा। और ये किसके प्रसिद्ध कलाकार है? मैं आपको बताया था भाई कि पेड़ की शाखा से खड्डे में कौन गिरी? चिड़िया गिरी, जो घायल हो गई, फिर उसके नानू ने उसका दुलार करा। तो शाखा से शेखावटी ख्याल के ये कौन है? प्रसिद्ध कलाकार है। बाद में जाकर ये क्या होते हैं? चिड़ावा ख्याल का क्या करते थे? शुभारंभ कर देते, अर्थात संस्थापक हो जाते हैं उसके। तो एक अपनी तरफ से भी एक ख्याल का शुभारंभ करते हैं जिसका नाम है चिड़ावा ख्याल। वो चिड़ावा ख्याल कहां की है? झुंझुनू की है। तो मानो एक बिल्कुल इजी ट्रिक है। आपका एक दोस्त है, वो आपको बहुत देर से चिड़ा रहा था, आपका दिमाग गर्म आ गया, हो गया। आपने उसको बोला, भाई तूने मेरे को चिड़ा लिया ना, अब जा यहां से, जा। तो जा को आपको ध्यान रखना, जा से चिड़ा लिया, अब जा यहां से, जा, जहाँ से जा। तो आपने कितना, आपने बिल्कुल गुस्से में उसको बोला, भाई अगर तूने मेरे को चिढ़ा लिया ना, अब तो यहाँ से जा, मेरे को तेरी शक्ल नहीं देखनी। ये अपनी ट्रिक है भाई, चिढ़ा लिया, अब जा यहाँ से। जा को आपको ध्यान रखना, जहाँ से, ठीक है? जा को किससे ध्यान रखना आपको? जा से। ये बिल्कुल इजी ट्रिक है। इसके अंदर एक ही चीज याद रखनी है आपको। देखो, चिड़ा से हो जाएगा चिड़ावा ख्याल, लिया से हो जाएगा संस्थापक कौन है? इसके दुलिया राणा। लिया से दुलिया राणा इसके क्या है? प्रमुख संस्थापक है। और जहाँ से हो जाएगा झुंझुनू, जहाँ से क्या हो जाएगा? झुंझुनू। तो ये चिड़ावा ख्याल कहाँ की फेमस है? झुंझुनू की फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ख्याल है अपनी हेला ख्याल, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेला ख्याल आपको ध्यान रखना है। लंबी टेर देना इसकी प्रमुख विशेषता, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, ये अभी आप, मैं आपको बता दूंगा। हेला ख्याल जिसको दंगल ख्याल के नाम से भी जाना जाता है, ये कहां की फेमस है? ये लालसोट दोसा की और सवाई माधोपुर की फेमस है। लालसोट दोसा इसका इसका मूल स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। हेला ख्याल दंगल, देखो बिल्कुल इजी ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी होली खेलते होंगे, आपके घर वाले भी होली खेलते होंगे। होली में क्या करते हो? लोग बहुत ज्यादा हल्ला करते हैं, डीजे वीजे लगा लेते हैं, बहुत ज्यादा डांस वांस करते हैं, खूब मजे करते हैं, और करना भी चाहिए। तो होली पर आपने क्या करा? आपने होली पर क्या करा? होली पर लाल और सफेद रंग से क्या करते हैं? लोग हल्ला करते हैं। आपको ऐसे ध्यान रखना है कि भाई होली होती ना, उस पर लाल और सफेद रंग से, बहुत सारे रंग से खेलते हैं, लेकिन होली पर लाल और सफेद रंग से लोग क्या करते हैं? हल्ला करते हैं। बस इतनी सी ट्रिक याद रखनी है, आपके सारे के सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। ठीक, अपन देखते हैं इसकी डिटेल्स। देखो, हेला ख्याल है इसका मूल स्थान, तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, लालसोट दोसा। लालसोट दोसा एक चीज के लिए और फेमस है, यहाँ पे किसकी? बंजारा की छतरी है। मैं आपको आगे डिटेल्स में बता दूंगा। मूल स्थान क्या है इसका? लालसोट दोसा के अंदर है। और लेकिन ये प्रसिद्ध कहाँ की? प्रसिद्ध कहाँ की? सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। इसके संस्थापक कौन है? हेला ख्याल, इन्हीं के नाम से इसका नाम रखा गया है। कौन सा? हेला शहर के नाम से इनका इस ख्याल का नाम रखा है, हेला ख्याल, जिसको दंगल भी कहते हैं। हेला शहर क्या है? इसके संस्थापक है। इस ख्याल की प्रमुख विशेषता, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इस ख्याल की मुख्य जो विशेषता है वो क्या? हेला देना। हेला देना मतलब कि हल्ला करना, मतलब कि लंबी टेढ़ देना। तो मतलब कि बहुत लंबी लंबी इसमें क्या की जाती है? आवाजें दी जाती है। तो लंबी टेर से आवाज देना किस ख्याल की प्रमुख विशेषता है? तो वो हेला ख्याल की प्रमुख विशेषता है। इस ख्याल का मुख्य संगीत वाद्यंत्र कौन सा होता है? नौबत है। लेकिन इस ख्याल के शुरू होने से पहले बम वाद्यंत्र बजाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई हेला ख्याल का प्रमुख संगीत वाद्यंत्र कौन सा? नौबत है। लेकिन इस ख्याल के शुरू होने से पहले क्या बजाया जाता है? बम बजाया जाता है, बम वाद्यंत्र को बजाया जाता है। अब अपन ट्रिक देखते हैं। होली पर लाल और सफेद रंग से क्या करते हैं? लोग हल्ला करते हैं। देखो, होली से क्या हो जाएगा? हेला ख्याल, ठीक है। लाल से हो जाएगा लालसोट दोसा, यहाँ की क्या ये मूल स्थान है। लेकिन ये प्रसिद्ध कहाँ से? सफेद से आपको ध्यान रखना सवाई माधोपुर। सफेद से क्या ध्यान रखना आपको? सवाई माधोपुर। और हल्ला से क्या हो जाएगा? हेला शहर, इसके क्या है? संस्थापक है। ये आपको ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको एक एक चीज बिल्कुल, लोक नाट्य टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से एग्जाम के अंदर, जिस भी एग्जाम के सिलेबस के अंदर ये टॉपिक जुड़े हुआ होता है, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको बिल्कुल आराम से पढ़ना है, आपको ट्रिक से याद रखना है। ट्रिक को आप दो तीन बार याद करो, क्वेश्चन सेट लगाओ, इसके आपको बिल्कुल याद होगी। आपको एक एक टॉपिक में बिल्कुल अच्छी डिटेल्स में, ये कोई एक किताब का मिक्सअप नहीं है, ये कम से कम 7 से 8 किताबों का मिक्सअप है। मैं अपने खुद के नोट्स मिलाता हूँ, नेट से देखता हूँ, किताबें ढूंढता हूँ, आपको ऑथेंटिक मटेरियल लाके देता हूँ। आपको किसी भी चीज के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल आप आराम से पढ़ो, आप नौकरी लगोगे, बिल्कुल लगोगे। ठीक है, अपन नेक्स्ट ख्याल पे चलते हैं। नेक्स्ट ख्याल है अपना कौन सा? तुर्रा कलंगी ख्याल। कौन सा ख्याल है? तुर्रा कलंगी ख्याल। ये कहाँ का फेमस है? गोसुंडा, जिसको गोसुंडी भी कहते हैं। तो गोसुंडी निम्बाड़ा चित्तौड़ की फेमस है। कौन सा? तुर्रा कलंगी ख्याल। बिल्कुल इजी ट्रिक बनाइए। मानो एक है ना कलंगी, कलंगी तो आप जानते होंगे, जैसे कि ये दूल्हा है, दूल्हा का जब साफा पहनता है ना, उसके यहाँ पे ना बिल्कुल खड़ी मोर पंखी जैसी खड़ी होती है, इसको कहते हैं क्या कहते हैं? कलंगी कहते हैं। तो कलंगी कहाँ पे लगी हुई? तो दूल्हे के साफे के ऊपर लगी हुई होती है कलंगी। अपन वहीं से रिलेट करेंगे, जैसे कि तुर्रा कलंगी में आ रहा कलंगी, तो अपन को ट्रिक भी यहाँ से याद रखनी
रखनी चाहिए क्योंकि अपन को याद रहेगा, कलंगी अपन एग्जाम में देखते ही समझ जाएंगे भाई अपन को ट्रिक क्या याद रखनी चाहिए। तो एक दूल्हा था, अब उसकी शादी थी, अब शादी थी तो बिल्कुल अब अपने दोस्त वोस्त आते भाई दूल्हे के, तो उसके दोस्तों वालों ने ठीक है चलो आज ताश खेलते, आज तो तेरी शादी है, शादी रात को ही अपन दिन में ताश खेलते हैं। ताश खेलते, अब ताश में उसने क्या लगा दिया, जुआ लगा दिया। अब वो बहुत ज्यादा क्या करता, पैसे हार गया, अब उसका दिमाग खराब हो गया, उसने बोला यार ये कलंगी को उसने तोड़ा, बोला कोई शादी वादी नहीं करनी है। तो बिल्कुल इजी ट्रिक बनाई है, एक दूल्हे ने कलंगी को गुस्से में तोड़ा क्योंकि वो ताश में क्या हो गया था, ज्यादा पैसे हार गया था। बिल्कुल इजी ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं। एक दूल्हे ने कलंगी को गुस्से में तोड़ा क्योंकि वो ताश में क्या हो गया था, ज्यादा पैसे हार गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब सबसे पहले अपन डिटेल्स देखते हैं। ये तो तुर्रा कलंगी ख्याल है ना, इसका उद्गम राजस्थान से बाहर हुआ था। कहाँ हुआ था, चंदेरी गांव मध्य प्रदेश के अंदर इसका उद्गम हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई तुर्रा कलंगी ख्याल का उद्गम कहाँ हुआ था। मैक्सिमम अगर ये आपसे जिले देगा या आपको राज्य देगा, राजस्थान, यूपी, एमपी और भी हरियाणा, इस तरीके के जिले दे देगा, तो लोग मैक्सिमम लोग तो बोलेंगे हाँ भाई तुर्रा कलंगी तो राजस्थान में पड़ा, तो वो राजस्थान लगा देंगे। लेकिन जो तुर्रा कलंगी ख्याल है, इसका उद्गम राजस्थान से बाहर हुआ था, चंदेरी गांव मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था। लेकिन ये राजस्थान में कहाँ का फेमस है, राजस्थान के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया गोसुंडी, निम्बाड़ा, चित्तौड़ या फिर गोसुंडा, निम्बाड़ा, चित्तौड़ का ये फेमस है। ये एक तरह का व्यावसायिक लोकनाट्य, किस तरह का, एक तरह का व्यावसायिक लोकनाट्य है। ये ख्याल हिंदू मुस्लिम एकता का परिचालक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा ख्याल है जो कि एकमात्र ऐसा है जो हिंदू मुस्लिम एकता का परिचालक, इसके बाद भी और आएंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है जो ये अपन पढ़ रहे हैं, कौन सा ख्याल पढ़ रहे हैं अपन, ये अपन पढ़ रहे तुर्रा कलंगी ख्याल, ये हिंदू मुस्लिम एकता का परिचालक है। इसके अंदर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, इसके अंदर चंग वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। इसके अंदर महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जो इसके अंदर जो तुर्रा कलंगी, दो वर्ड, एक तो तुर्रा और तलक कलंगी, इसका क्या मतलब होता है, ये कौन होते हैं, तो जो तुर्रा होता है ना, ये शिव का पात्र होता है जो कि हिंदू कलाकार द्वारा अदा की जाती है। इसके द्वारा भगवे रंग के वस्त्र धारण किए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना, तुर्रा होता है, ये शिव का पात्र होता है, हिंदू कलाकार द्वारा अदा किया जाता है इसका जो पात्र है, और इसके अंदर जो ये जो कपड़े पहनता तुर्रा, ये भगवे रंग के वस्त्र धारण किए जाते हैं। दूसरा है कलंगी, कलंगी क्या होता है, ये पार्वती का पात्र होता है, इसलिए और ये क्या मुस्लिम कलाकार की अदा की जाती है, इसलिए कहा जाता है कि भाई हिंदू मुस्लिम परिचालक है कौन सा, हिंदू मुस्लिम एकता का परिचालक है कौन सा, तुर्रा कलंगी ख्याल। इसके अंदर जो कलंगी है, ये पार्वती का पात्र होता है जो कि मुस्लिम कलाकार द्वारा अदा की जाती है, और इसके द्वारा हरे रंग का वस्त्र धारण किए जाते हैं। अब इसके अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के अंदर तुर्रा का जनक और राजस्थान के अंदर, डीप क्वेश्चन जाके पूछ रहे कि राजस्थान में तुर्रा कलंगी का जनक किसको कहा जाता है। भारत के अंदर तो मैं आपको याद करा दूं, लेकिन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट इसके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि ये तो सबको याद होता है, लेकिन ये जो आपको मैं स्पेशली बता रहा हूं, ये आपको ध्यान रखना है। देखो भारत में तुर्रा का जनक है तुकनगी, तैसे तुर्रा तैसे तुकनगी, आपको मैं ट्रक से याद करा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। वो कलंगी का जनक किसको कहा जाता है, शाली को कहा जाता है। तो तुर्रा का दलक कौन है जनक, तैसे तुर्रा तैसे तुकनगिर, कलंगी का कलंगी के अंदर ल, यहां से भी ल, तो शाली, तो कलंगी का जनक कौन है, शाली, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपसे डीप जाके पूछ रहे कि राजस्थान के अंदर तुर्रा का जनक किसको कहा जाता है, वो सेडू सिंह को कहा जाता है। किसको, सेडू सिंह को कहा जाता है, और कलंगी का जनक हमीद अली को कहा जाता है। और इसके आपको ध्यान, मोस्ट इंपोर्टेंट कलाकार भी ध्यान रखना, ये भी मैं आपको ट्रिक से याद करवाने वाला हूं। इसके कलाकार कौन है, तुल्ला कलंगी के, वो जेदा सोली और हमीद बेग है इसके प्रसिद्ध कलाकार। अब आप देख लो कि भाई अभी तो ख्याल ही खत्म नहीं हुआ, ख्याल के कितने सारे पार्ट है। अब आप नॉर्मल की तरह याद करोगे तो आप आज याद करोगे, दो दिन बाद याद करोगे, आपको याद रहेगा, लेकिन अब आप एग्जाम के अंदर कंफ्यूज हो जाओगे। इसके लिए आपको ट्रिक की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब अपन ट्रिक देखते हैं, ट्रिक के अंदर से अपना क्या क्या निकलता है। बिल्कुल इजी ट्रिक है। अब आपको मैंने पूरी कहानी बता दी थी, एक दूल्हे की शादी थी, उसके दोस्तों ने ताश खिलाया, वो पैसे हार गए, उसने गुस्से में कलंगी को तोड़ दिया। एक दूल्हे ने कलंगी को गुस्से में तोड़ा क्योंकि वो ताश में ज्यादा हार गया। देखो क्या हो जाएगा, कलंगी से क्या हो जाएगा, कलंगी तुर्रा कलंगी ख्याल, गुस्से हो जाएगा गोसुंडा, और तोड़ी से हो जाएगा चित्तौड़। तो गोसुंडा चित्तौड़ का ये प्रसिद्ध है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। तो को ताश हो जाएगा तुकनगिर, ये क्या है, तुर्रा का जनक है। सैस हो जाएगा शाली, शाली किसका जलंगी जनक है, कलंगी का जनक है भारत के अंदर, ठीक है। ज्यादा हार गया, ज्यादा से क्या हो जाएगा, देखो ज्यादा से आपको बिल्कुल नीचे आना है। इसके प्रसिद्ध कलाकार के अंदर कौन था, जेदयाल सोनी, जेदयाल ज्यादा, जेदयाल पढ़ने में लगता है ज्यादा, तो जेदयाल सोनी कौन जनक, इसके प्रसिद्ध कलाकार हो जाएगा। और हार से क्या हो जाएगा, ज्यादा हार गया, और हार से हो जाएगा हमीद बेग, हार से क्या हो जाएगा हमीद बेग, ये इसके दोनों क्या है, प्रसिद्ध कलाकार है, ये आपको ध्यान रखना है। इन ट्रिकों को आप कॉपी में लिखो, पेंसिल से, इनसे जैसे मैं निकालता हूं इस तरीके से आपको निकाल के देखना है कि भाई इस तरीके से क्या क्या निकलते हैं, ये आपको बिल्कुल एग्जाम में याद हो जाएगा। नेक्स्ट ख्याल है अपना कौन सा, नेक्स्ट ख्याल है अपना अली बख्शी ख्याल, कौन सा, अली बख्शी ख्याल अलवर के अंदर, ये एग्जाम के अंदर अभी लाइब्रेरियन का हुआ था, कि लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का एग्जाम हुआ था 2018 के अंदर, उसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अली बख्शी ख्याल ये कहाँ का है, ये अलवर का फेमस है। अली से देखो, अली से अलवर, बिल्कुल लीजिए, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अली से अलवर, इसमें भी आ रहा है ना, ले से स्टार्ट होता अलवर, तो अली से हो जाएगा अलवर, यही अपनी ट्रिक है इसके अंदर, अली से अलवर। ये जन्मस्थली क्या है, इसकी जन्मस्थली है मुंडावर गाँव अलवर के अंदर, इसकी जन्मस्थली है, और इसके संस्थापक के नाम पर इसका नाम रखा गया
अली बख्श। अब ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि अलवर का रस खान के नाम से किसको जाना जाता है, तो अलवर के रस खान के नाम से अली बख्श को जाना जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अलवर का रस खान के नाम से किसको जाना जाता है, तो अलवर के रस खान के नाम से अली बख्श को जाना जाता है। इसके अंदर कोई भी ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, अली बख्श ही है अलवर और अलवर का रस खान अली बख्श को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना भाषा कौन सी होती है अली बख्शी ख्याल के अंदर, ये आपको ध्यान रखना, अहिरवाटी बोली बोली जाती, कौन सी अहिरवाटी बोली बोली जाती है आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ख्याल है अपना कौन सा ढप्पाली ख्याल, कौन सा ढप्पाली ख्याल, ये अलवर भरतपुर का मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। देखो एक लड़का है जिसकी बिल्कुल इजी ट्रिक बनाई, एक लड़का है जिसकी लवर है, ठीक है, अब वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसने उस लड़की को बोला, उसके लवर को बोला कि भाई मैं ना तेरे से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तेरे के ऊपर क्या लगा रहा हूँ, ठप्पा लगा रहा हूँ कि मैं तेरे से ही शादी करूंगा, इसके अलावा किसी से नहीं करूंगा। तो भरत ने अपनी लवर पर क्या लगा दिया, ठप्पा लगा दिया, भरत ने क्या करा अपनी लवर पर ठप्पा लगा दिया, लोग लगा देते भाई अपनी लवर पर ठप्पा कि भाई अब मैं तुझसे ही शादी करूंगा, मैं तुझसे ही प्यार करता हूँ। तो भरत ने क्या करा अपनी लवर पर ठप्पा लगा दिया, बिल्कुल इजी ट्रिक है, आप कभी नहीं बोलोगे भरत ने क्या करा था अपनी लवर पर ठप्पा लगा दिया था, इससे आपका सारे काम हो जाएगा, ठीक है। इसका प्रसिद्ध स्थान कहाँ की, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ अलवर भरतपुर का फेमस है मेवात का, सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछा था कि ढप्पाली ख्याल कहाँ का फेमस है, अलवर भरतपुर मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। देखो भरत से हो जाएगा भरतपुर और लवर से हो जाएगा अलवर, भरत से हो जाएगा भरतपुर और लवर से हो जाएगा अलवर, यहाँ का कौन सा ख्याल फेमस है, ठप्पा से, ठप्पा से, ठप्पा से हो जाएगा ठप्पाली ख्याल, ये फेमस है, बिल्कुल इजी ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट ख्याल अपना क्वेश्चन कौन सा, किशनगढ़ी ख्याल, ठीक है, ये कहाँ का फेमस है, किशनगढ़ सबको पता है अजमेर के अंदर है, किशनगढ़ अजमेर का और जयपुर का प्रसिद्ध है, कौन सा, किशनगढ़ी ख्याल, ठीक है। आप किशन भगवान को कौन नहीं जानता, वो किशन भगवान क्या बजाते हैं, किशन भगवान बंसी बजाते हैं, ये अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि किशन भगवान क्या बजाते हैं, बंसी बजाते हैं। तो किशनगढ़ी ख्याल के संस्थापक कौन है, बंशीधर शर्मा, इसके अंदर सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है बंशीधर शर्मा किसके संस्थापक है, तो वो किशनगढ़ी ख्याल के संस्थापक है, तो किशन भगवान क्या बजाते थे, बंसी, बंसी से बंशीधर शर्मा। नेक्स्ट ख्याल है अपनी कौन सी, बीकानेरी ख्याल, कौन सा ख्याल है अपना, बीकानेरी ख्याल, बीकानेरी ख्याल नाम से पता चलता है कहाँ का फेमस है, बीकानेर का फेमस है, ठीक है। अब आपका एक दोस्त है, वो एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, ठीक है, वो आपको बोल रहा था भाई अगर वो नहीं मिली ना मैं उसके बिना मर जाऊँगा, तो आपने बोला भाई ये सब फालतू की बातें हैं, भाई बेकार में मत मर गोपी के लिए, आपने क्या बोला भाई किसी भी गोपी के लिए बेकार में मत मर, कुछ करके दिखा, भाई बेकार में मत मर गोपी के लिए, आपने बिल्कुल उसको एक ही राय दी और एक ही लाइन में राय दी, भाई मेरी बात माने ना, तो बेकार में मत मर किसी गोपी के लिए, बिल्कुल इसी तरीके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि बीकानेरी खेल के संस्थापक कौन है और प्रसिद्ध कलाकार कौन से, ठीक है। तो इसके संस्थापक है मोतीलाल और इसके प्रसिद्ध कलाकार है कौन सा, अमर और गोपीचंद, अमर सिंह और गोपीचंद इसके क्या प्रसिद्ध कलाकार है। आपने तो छोटी सी राय दी भाई बेकार में मत मर गोपी के लिए, बेकार से हो जाएगा बीकानेरी ख्याल, मत से हो जाएगा मोतीलाल, संस्थापक कौन है मोतीलाल, इस मारा ना मत, तो संस्थापक कौन है मोतीलाल, और आपने क्या मर मत क्या बेकार में मत मर गोपी के लिए, मर से हो जाएगा अमर सिंह और गोपी से हो जाएगा गोपीचंद इसके क्या प्रसिद्ध कलाकार है। आपको मैंने सीक्वेंस में ट्रिक जो भी बनी हुई है वो सीक्वेंस में बनी हुई है, सबसे पहले आपके ख्याल का नाम आएगा, उसके बाद उसके संस्थापक का नाम आएगा, उसके बाद उसके क्या आएगा किसके प्रसिद्ध कलाकार का नाम आएगा, अगर ख्याल के बाद है ना उसके किसी कोई नाम आता है तो वो क्या आएगा, जहाँ का वो प्रसिद्ध है वो नाम आएगा, उससे पहले कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल ये सीक्वेंस आप जाना, ख्याल प्रसिद्ध कहाँ का वो उसके संस्थापक और उसके प्रसिद्ध कलाकार, इसी सीक्वेंस में सारी की सारी ट्रिक बना रखी है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है। नेक्स्ट है अपना कौन सा, कन्हैया लाल ख्याल, ठीक है, कन्हैया लाल ख्याल ये कहाँ का फेमस है, ये भरतपुर संभाग का फेमस है, भरतपुर संभाग के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, तो आप समझते होंगे भरतपुर करौली धौलपुर सवाईमाधोपुर किसके अंदर आते हैं, भरतपुर संभाग के अंदर आते हैं। मैंने संभाग आपको बिल्कुल शानदार ट्रिक से बिल्कुल डिटेल से याद करवा चुकी, अगर आपने नहीं देखा तो ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाना, आप और वैसे भी सर्च करोगे तो सबसे ऊपर अपनी वीडियो आ जाएगी किसकी, संभाग की, राजस्थान के संभाग की। तो कन्हैया लाल ख्याल ये करौली धौलपुर भरतपुर और सवाईमाधोपुर का है, ठीक है। अब देखो कन्हैया लाल में आ रहा कन्हैया, कन्हैया किसको कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान को कहते हैं, वो कन्हैया क्या करते थे, रासलीला रचते थे, बिल्कुल इजी ट्रिक बनाइए, कन्हैया श्री कृष्ण भगवान भारत की सड़कों पे क्या करते थे, रासलीला रचते थे, ये तो इनकी फेमस है कृष्ण भगवान की लीला है, तो ठीक है कृष्ण भगवान क्या करते थे, भारत की सड़कों पर क्या करते थे, लीलाएं करते थे। आप बताओ अब इसमें भी कोई ट्रिक बनाई क्या मैंने, इसमें कोई ट्रिक नहीं बनाई, नेचुरल ट्रिक है सारी की सारी, ठीक है। तो कन्हैया भारत की सड़कों पर क्या करते थे, लीलाएं करते थे। अब सबसे पहले अपन देख लिए प्रसिद्ध कहां की, सबसे मैं आपको बता चुका भरतपुर संभाग की प्रसिद्ध है, ठीक है, ये मीणा जाति के द्वारा की जाती है खैर, और मुख्य पात्र क्या कहलाता है इसका, मीडिया कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना कन्हैया लाल ख्याल का मुख्य पात्र क्या कहलाता है, मीडिया कहलाता है। इसमें रामायण और महाभारत की लीलाओं को क्या किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है। तो कन्हैया लाल ख्याल के अंदर रामायण में महाभारत की लीलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। अब देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसी कौन सा ख्याल है जिसमें महाभारत और रामायण की लीलाओं का प्रदर्शन किया जाता है, तो आपको सीधा का सीधा ध्यान रखना कन्हैया लाल ख्याल, मैं आपको ये भी ट्रिक से याद करवा दूंगा। तो कन्हैया
भारत की सड़कों पे क्या करते थे, लीलाएं करते थे। देखो कन्हैया से हो जाएगा कन्हैया लाल ख्याल, भारत से हो जाएगा, हो जाएगा भरतपुर संभाग, भारत से क्या हो जाएगा भरतपुर संभाग, ये आपको ध्यान रखना है। अगर भरतपुर संभाग भी याद नहीं हो तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, भारत से भरतपुर। एस से हो जाएगा क्या हो जाएगा सवाई माधोपुर, डी से हो जाएगा धौलपुर, कैसे हो जाएगा करौली, यहाँ का फेमस है, आपको जिले भी याद करवा दिए मैंने। और लीला ऐसे हो जाएगा कि महाभारत और रामायण की लीलाओं को क्या किया जाता है, इसके अंदर प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट ख्याल है अपना मार्च की ख्याल, कौन सा मार्च की ख्याल, ये कहाँ की फेमस है, ये भीलवाड़ा की फेमस है और इसके संस्थापक कौन है, बक्सूराम इसके क्या है संस्थापक है। देखो मार्च से आप ध्यान रखो मच्छर, मार्च और मच्छर सेम रिलेटेड होते ना, दो तीन बार आप मार्च बोलोगे तो आपको मच्छर सुनाई देगा। तो मच्छर, हम मच्छर हमेशा नहीं काटते, आपने देखा होगा भाई कभी कभार मच्छर आपके हाथ के ऊपर बैठ गया लेकिन हमेशा नहीं काटते। तो मच्छर क्या करते, कभी कभार अपन को बख्श देते, वैसे तो उनका काम है काटना, उनका स्वभाव है काटना, लेकिन वो क्या क्या करते कभी कभार अपन को बख्श देते, यही अपनी ट्रिक बनाई मैंने। कभी कभी मच्छर भी क्या करते बख्श देते, यही अपनी ट्रिक है, कभी कभी मच्छर भी क्या करते बख्श देते। देखो मच्छर से हो जाएगा मार्च की ख्याल, बी से हो जाएगा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध, बख्श से हो जाएगा बक्सूराम, बक्स क्या उससे क्या हो जाएगा बक्सूराम, इसके क्या है संस्थापक है। नेक्स्ट अपना आ गया ख्याल, लोकनाट्य खत्म हो चुका है, अपना नेक्स्ट लोकनाट्य कौन सा, रम्मत लोकनाट्य, मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपको जानते हैं, अब आप जानते हैं ये लोग रम कब पीते हैं, 8 बजे ठेके बंद हो जाते हैं उसके बाद ही पीते ना, तो लोग 8 बजे बाद क्या पीते हैं, रम पीते हैं। तो लोग रम 8 बजे बाद पीते हैं, बिल्कुल इजी ट्रिक बनाई है, अभी बिल्कुल नेचुरल है कि आपको भी पता ठेके 8 बजे बंद हो जाते हैं उसके बाद ही लोग रम पीते हैं, तो लोग रम 8 बजे बाद पीते हैं, ये अपनी ट्रिक है। तो रम से क्या हो जाएगा रम्मत लोकनाट्य, ठीक है। बजे से हो जाएगा बीकानेर और जैसलमेर, ये कहाँ का प्रसिद्ध है, बीकानेर और जैसलमेर का प्रसिद्ध, वजह से बिल्कुल बीकानेर और जैसे जैसलमेर, तो बीकानेर और जैसलमेर का ये प्रसिद्ध है, तो लोग रम 8 बजे बाद पीते, ये अपनी ट्रिक है। ये प्रसिद्ध कहां का, ये बीकानेर और जैसलमेर का प्रसिद्ध। लेकिन अगर आपसे डीपली जाके पूछ ले कि रम्मत लोकनाट्य का उद्भव कहां हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है कहां पर होता, जैसलमेर के अंदर ही इसका उद्भव हुआ था, और प्रसिद्ध कहां की, बीकानेर और जैसलमेर दोनों की, मोस्टली पूछे तो बीकानेर की ज्यादा प्रसिद्ध है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीकानेर में इसे पाटा संस्कृति के नाम से जाना जाता है, और क्योंकि रम्मत में पाटा संस्कृति बीकानेर की देन है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भाई पाटा संस्कृति का संबंध राजस्थान के किस लोकनाट्य से, तो रम्मत लोकनाट्य के अंदर से इसका संबंध है। तो बीकानेर में जो रम्मत है ना, इसको पाटा संस्कृति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ना रम्मत में पाटा संस्कृति बीकानेर की ही देन है, इसलिए इसको पाटा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध जाति, इस लोकनाट्य को करने वाली प्रसिद्ध जाति कौन सी, पुष्करणा ब्राह्मण। ये पुष्करणा ब्राह्मण के बारे में आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये कौन थे, ये वही थे जिन्होंने सबसे पहले जैसलमेर में खड़ी इनकी कृषि शुरू करी थी, ये आपको मैंने जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा उसके अंदर सब कुछ बता दूंगा। खेलार या रम्मतिया क्या होता है, खेलार या रम्मतिया क्या होता है, रम्मत खेलने वाला कलाकार क्या कहलाता है, खेलार कहलाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ख्याल खेलने वाला कलाकार क्या कहलाता है, वो खिलाड़ी कहलाता है, क्या कहलाता है, खिलाड़ी कहलाता है। ख्याल खेलने वाला कलाकार खिलाड़ी कहलाता है, और रम्मत खेलने वाला क्या कहलाता है, खेलार या रम्मतिया कहलाता है। देखो रम्मत जो राजस्थान का जो लोकनाट्य है ना, ये राजस्थान का एकमात्र लोकनाट्य है जिसने क्रांतिकारी विचारधारा उत्पन्न की। तो रम्मत राजस्थान का एकमात्र लोकनाट्य है जिसने क्रांतिकारी विचारधारा उत्पन्न की। इसमें महापुरुषों की जीवनी गाई जाती है, इसमें क्या गाई जाती है, महापुरुषों की जीवनी गाई जाती है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा लोकनाट्य जिसने राजस्थान में क्रांतिकारी विचारधारा उत्पन्न की, वो कौन सा रम्मत लोकनाट्य है। ये लोकनाट्य रात में किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ऐसा कौन सा लोकनाट्य जो रात में किया जाता है, वो कौन सा रम्मत है। ऐसा ये लोकनाट्य कब किया जाता है, रात में किया जाता है। इस लोकनाट्य के प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा, ढोलक और नगाड़ा। और रम्मत का प्रारंभ किससे होता है, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा कि रम्मत लोकनाट्य का प्रारंभ किससे होता है, वो गणेश वंदना से इसका प्रारंभ होता है। रम्मत श्रावण या फाल्गुन महीने में आयोजित की जाती है। रम्मत के प्रमुख प्रसंग कौन कौन से, चौमासा, लावणी और गणेश वंदना, इसके क्या प्रमुख प्रसंग है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब राजस्थान की प्रमुख रम्मतों से पूछा जाता है, उनके उनको रचनाकार कौन है, ये पूछा जाता है, इस रम्मत के अंदर होता क्या है, ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले है अपने अमर सिंह राठौड़ी रम्मत, कौन सी, अमर सिंह राठौड़ी रम्मत। देखो अमर सिंह से इसका ध्यान रखना, आपको अमर सिंह इसी क्या है, रचनाकार है। और ये रम्मत बीकानेर के आचार्य चौक में की जाती है, कहां पे की जाती है, बीकानेर के आचार्य चौक के अंदर की जाती है। जो आपको पता रम्मत कहां की फेमस है, रम 8 बजे बाद पीते हैं, वजह से बीकानेर और जैसलमेर की फेमस है। और जितनी भी रम्मतें आएगी ना, वो बीकानेर और जैसलमेर के आसपास वाले क्षेत्र के ही अंदर की जाती है। तो अमर सिंह राठौड़ी रम्मत, अमर सिंह से, अमर सिंह इसके क्या रचनाकार है, और ये रम्मत बीकानेर के आचार्य चौक में की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसे भी अगर अगर कोई आदमी मर जाता है ना, तो उसको कहां पे रखते हैं, उसको चौक के अंदर बिठाते हैं। आचार्य आते हैं, पंडित आते हैं, ठीक है, उसके वो लास्ट जो करते हैं ना क्रिया कलाप, वो करता है पंडित, आचार्य जी करते, कौन करते, आचार्य जी करते चौक के अंदर। ये आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट है स्वतंत्र बावनी,
मूमल भरतरी और छेले तंबोलन, स्वतंत्र बामनी मूमल भरतरी और छेले तंबोलन। इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है, इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार तेज कवि, इनका संबंध है जैसलमेर से संबंधित, कहाँ के संबंध है तेज कवि का संबंध कहाँ से जैसलमेर के अंदर। अब आपको मैं इसके थोड़े रचनाकार याद करवाने की कोशिश करता हूँ, वैसे आप एक दो बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएंगे, लेकिन ऐसे दानों को अगर कोई आदमी स्वतंत्र है, स्वतंत्र आदमी है ना वो हमेशा तेज चलेगा, वो कभी भी धीरे नहीं चलेगा। अगर कोई आदमी ना उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुलामी है तो वो बिल्कुल धीरे धीरे प्रगति करेगा, लेकिन जो स्वतंत्र आदमी है वो कैसे प्रगति करेगा, वो तेज प्रगति करेगा। और जैसे कि आपको पता मूमल की जैसे मैं कि राजकुमारी थी, और राजकुमारी तो कभी धीरे प्रगति नहीं कर सकती, वो कैसे प्रगति करेगी, वो तेज प्रगति करेगी। और भरतरी आपको पता ही है, भरतरी कौन थे, भरतरी का मेला भी भरता राजस्थान के अंदर, तो ये कौन थे, एक तरीके के भाई लोक देवता, मतलब भगवान की तरह इनको पूजा जाता है भरतरी को, तो ये भरतरी भी अगर कोई देवता है तो वो क्या तेज ही तेज काम करेंगे। इस तरीके से मैं आपको बस आपको रिलेट कराना बता रहा हूँ, आप किस तरीके से याद कर सकते हो, क्योंकि अपन अगर सबकी ट्रिक बनाएंगे तो आप भी कंफ्यूज होंगे भाई क्या क्या चीज में ट्रिक से याद करूँ। आप जो चीज ट्रिक से याद करनी वो तो आपको ट्रिक से याद करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लंबे समय तक याद रख सकते हो, लेकिन अगर आप किसी चीज को लॉजिक से याद कर सकते हो, मैं आपको लॉजिक से बता चुका हूँ। देखो छेले तंबोलन, एक तंबोलन थी वो बिल्कुल तंबोलन बहुत खतरनाक थी, वो क्या करती थी, वो छल 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 करके के भागती थी, मतलब वो भागती तो छल छल की आवाज आती थी, वो कैसी भागती थी, तेज भागती थी। अब देखो इसके अंदर जो स्वतंत्र बावनी है ना, इसके प्रसिद्ध रचनाकार पूछे गए, इसके रचनाकार कौन है, वो तेज कवि है। इसके रचनाकार क्यों पूछे गए, क्योंकि ये ना जो ये रम्मत है ना तेज कवि है प्रसिद्ध, ये जो स्वतंत्र बावनी रम्मत है ये बिल्कुल प्रसिद्ध है। ये क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि आपको ध्यान रखना जो तेज कवि रम्मतिया है ना, इन्होंने 1943 में स्वतंत्र बावनी नामक रम्मत लिखी थी जिसे गांधी जी को भेंट किया था। तो ऐसी कौन सी रम्मत है जिसको गांधी जी को भेंट किया गया था, कौन सी स्वतंत्र बावनी रम्मत है, इसलिए मैं आपको डिटेल से याद करवा रहा हूं इस चक्कर में, ठीक है। नेक्स्ट है अपनी हडाऊ मेरी रम्मत, हडाऊ मेरी भी रम्मत, इसके लेखक कौन है, जवाहरलाल पुरोहित, हडाऊ मेरी रम्मत जवाहरलाल पुरोहित। देखो हडाऊ हड्डी, हडाऊ से याद रखना आप हड्डी, अब हड्डी के ऊपर क्या होता है, लाल लाल मांस होता है, क्या होता है, लाल लाल मांस होता है, तो आप ऐसे डालना हडाऊ से हड्डी और हड्डी के ऊपर लाल लाल मांस होता है, लाल से जवाहरलाल पुरोहित, आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो इसको। मतलब मैं आपको छोटे छोटे टॉप बिल्कुल तरीका बता देता हूँ, आप लंबे समय तक याद रहोगे, क्योंकि अगर डायरेक्ट ही पूछ ले भाई हड़ाऊ मेरी रम्मत के रचनाकार कौन है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं बोलता हूँ हड़ाऊ से हड्डी और हड्डी के ऊपर लाल लाल क्या होता है, मास्क लाल से जगह जवाहरलाल पुरोहित। ये मेरू नायक चौक बीकानेर की प्रसिद्ध, कहाँ की, मेरू नायक चौक बीकानेर की प्रसिद्ध है। ये जो रम्मत है ना हड़ाऊ मेरी रम्मत, ये रम्मत आदर्श पति पत्नी के जीवन पर आधारित है, किस पर, आदर्श पति पत्नी के जीवन पर आधारित है। ये रम्मत कुंभलगढ़ के राजा हड़ाऊ और उनकी पत्नी मेरी के जीवन पर आधारित है, तो ये किस पर आधारित है, ये कुंभलगढ़ के राजा हड़ाऊ और उनकी पत्नी मेरी के जीवन पर आधारित है, अर्थात इसके अंदर क्या होता है, आदर्श पति पत्नी के जीवन को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है अपने जमुनादास की रम्मत, कोई याद नहीं करना, इनके रचनाकार कौन है, जमुनादास जी ही है। ये है किकानी चौक बीकानेर की प्रसिद्ध, कहाँ की फेमस है, किकानी चौक बीकानेर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है अपनी फक्कर दातारी रम्मत, फक्कर दातारी रम्मत ये कहाँ की फेमस है, ये बीकानेर के मुस्लिम संप्रदाय द्वारा रचित रम्मत है। कौन सी, फक्कर दातारी रम्मत। देखो देखो फकीर संत, फकीर संत किस में होते हैं, मुस्लिम संप्रदाय के अंदर होता है, मैं अपना संतों को फकीर संत की तरह ही माना जाता है, जैसे कि गरीब नवाज अजमेर के अंदर है, इनको फकीर संत की उपाधि दी जाती है, तो मतलब कि बहुत ज्यादा लोग इनको पूछते हैं, तो फक्कर से ध्यान रखना फकीर संत, फकीर संत जो कि सबको देते हैं कुछ ना कुछ, वो कौन से होते हैं, मुस्लिम संप्रदाय के होते हैं। तो फक्कर दाता की रम्मत किसने करी, की रचना किसने करी, बीकानेर के मुस्लिम संप्रदाय की रम्मत है ये। फागु महाराज की रम्मत, कौन सी, फागु महाराज की रम्मत, ये भाटों का चौक बीकानेर की प्रसिद्ध है, बस आपको इसके अंदर इतना ही ध्यान रखना है। मनीराम की रम्मत, ये व्यासों का चौक बीकानेर की प्रसिद्ध है, इसके अंदर भी आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपनी कौन सी, राजिया महाराज की रम्मत, ये दमनिया का चौक बीकानेर की प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया रम्मत है बीकानेर और जैसलमेर की फेमस है, जो प्रसिद्ध रम्मत है ना जितनी भी बताई मैंने आपको, ये बीकानेर और जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र की ही है। तो दोस्तों इसके अंदर अपन दो लोक नाट्य याद कर लिए, इसके अगला जो वीडियो आएगा उसके अंदर अपन और लोक नाट्य याद करेंगे, दो तीन पार्ट के अंदर इस वीडियो को, इस टॉपिक को करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, तथा इसी तरीके की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।